गणेश जी विनायक जी की कहानी। प्राचीन काल में एक अंधी बुढ़िया थी जिसका एक लड़का और लड़के की बहू थी। वो बहुत गरीब था। वह अंधी बुढ़िया नित्य प्रति गणेश जी की पूजा किया करती थी। गणेश जी साक्षात सन्मुख आकर कहते थे कि बुढ़िया माई, तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया कहती, मुझे मांगना नहीं आता, सो कैसे और क्या मांगूं? तब गणेश जी बोले कि अपने बहू बेटे से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र और वधू से पूछा तो बेटा बोला कि धन मांग ले, और बहू ने कहा कि माँ पोता मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसियों ने कहा कि बुढ़िया तेरी थोड़ी सी जिंदगी है, क्यों मांगे धन और क्यों मांगे पोता, तू तो केवल अपने नेत्र मांग ले जिससे तेरी शेष जिंदगी सुख से व्यतीत हो जाए। उस बुढ़िया ने बेटे और बहू तथा पड़ोसियों की बात सुनकर घर में जाकर सोचा, जिससे बेटा बहू और मेरा सबका भी भला हो, वह चीज मांग लूं और अपने मतलब की चीज भी मांग लूं। जब दूसरे दिन श्री गणेश जी आए और बोले, बोल बुढ़िया क्या मांगती है, हमारा वचन है जो तू मांगेगी सो ही पाएगी। गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया बोली, हे गणराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आँखों में प्रकाश दे, नाती पोता दे और समस्त परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ तूने तो मुझे ठग लिया, खैर जो कुछ तूने मांग लिया वह सभी तुझे मिलेगा। यूं कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। हे गणेश जी, जैसे बुढ़िया माँ की मांगों अनुसार आपने सब कुछ दिया है, वैसे ही सबको, इस पूरे संसार को सब कुछ दो और हमको भी देने की कृपा करो, आपकी अति कृपा होगी।